गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कलो नराजन जगतां परम गुरु तिलोकनाथा जतपाद पंकजं प्रायेण मर्ता भगवंत अच्युतम इस्सास्ति हृदि विभिन्न चेतसा विपदो नैव विपदो संपदो नैव संपदो विपदो विस्मरणं विष्णु संपदं नारायण स्मृति। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त बिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्मम विष्णुपाद स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करता हूँ। पूज्यपाद ओम विष्णुपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों में यथायोग दंडवत प्रणाम। पूज्यपाद परमेश्वरी प्रभु समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग दंडवत प्रणाम। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस दिन हम हरिकथा से वंचित रह जाते हैं, जिस दिन भगवान के दर्शन से श्री विग्रह के दर्शन से वंचित वैष्णव के संग से वंचित जिस दिन रह जाते हैं, वही दिन हमारे लिए सबसे दुखदायी दिन है, सबसे दुख का दिन वही है। इसलिए सदैव हरि कथा श्रवण करने का विधान है। अभी श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद में हम लोग हैं, विदुर और उद्धव का संवाद हो रहा है। आप लोगों को ज्ञात है, आप लोग जानते हैं कैसे कि विदुर जी को कौरवों ने जब अपमान किया और अनेक अपमानित हुए तो वहाँ से वो निकल गए, निकल के भारत के समस्त तीर्थों में उन्होंने भ्रमण किया। उसके दौरान उन्होंने ये जमुना तट पर आए, लास्ट में जमुना तट पर आए। फिर वहाँ उद्धव जी से उनका मिलन होता है उद्धव जी से। अब उद्धव जी बोल रहे हैं विदुर जी उद्धव जी से पूछ रहे हैं कि जो आप तो कृष्ण यदुवंशी इत्यादि हैं वो कैसे हैं। इधर उद्धव जी एकदम भगवान की प्रकट हो चुके हैं, इस कारण ये इनको अपने आप को धैर्य नहीं है, संभाल नहीं पा रहे हैं और आंखों से आंसू झरझर झरझर गिर रहे हैं। उसके बाद उद्धव जी ने भगवान की समस्त लीलाओं का शुरू से अंत तक संक्षेप में वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि मैं कुरुक्षेत्र से नहीं प्रभास क्षेत्र से आ रहा हूँ। प्रभास क्षेत्र में समस्त यदुवंशी वारुणी मदिरा पान करके आपस में ही सब भिड़ गए, एक दूसरे पर प्रहार करके सब के सब नष्ट हो गए। जैसे बांस के जंगल में वहीं से अग्नि उत्पन्न हो जाती है और उसी को जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही जितने यदुवंशी हैं सब नष्ट हो गए। वो भगवान एक पीपल के वृक्ष के नीचे दाएं चरण को बाएं चरण पर रख के बैठे हुए थे जब मैं वहां पहुंचा। उद्धव जी बोल रहे हैं यदुवंशी की संख्या की गणना नहीं किया जाता, कितने थे। 18 उसमें महारथी थे, 18 ऐसे महारथी थे जिसकी ख्याति सब जगह फैली हुई थी, जिससे देवता तक जो है टक्कर नहीं ले सकते थे, ऐसे महारथी थे। श्याम प्रद्युम्न अनिरुद्ध इत्यादि जो हैं 18 विशेष रूप से पांचों जो यदुवंशी हैं इनकी संख्या इतनी थी कि गणना नहीं किया जा सकता। बता रहे हैं कि उसके यदुवंशियों को पढ़ाने के लिए आचार्य थे 3,88,00,000 आचार्य, 88 लाख आचार्य हैं पढ़ाने के लिए, तो उनकी संख्या यदुवंशी की कितनी है इसकी गणना नहीं किया जा सकता। वहां वर्णन कर रहे हैं तो जो है इतने थे। सब प्रभास क्षेत्र कहाँ है, समुद्र के तट पे है, वहां सब गए कृष्ण की इच्छा से सब कुछ हुआ। और जो नहीं गए वो सब चल गए। समुद्र तो वहां जो है सब आपस में भिड़ गए एक दूसरे को। ये अंतिम भगवान की लीला थी कि जो ऐसे जो वीर जो हैं इनको लोग भी देवता के अंश इसमें आए हैं, ये भी जाएं, इस कारण सब कुछ भगवान ने किया। भगवान वहां से, वहां जो है उद्धव जी
व्यास देव की परम प्रिय शिष्य मैत्री मुनि, और एक जो है जो कृष्ण के दारुक जो सारथी हैं वो तीन। दारुक को तो पहले भेज दिया कि तुम द्वारिका में जाओ और सबको बता दो कि आज के सातवें दिन समुद्र द्वारिका को अपने अंदर ले लेगा, इसलिए कुछ रानियां इत्यादि हैं वो अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ चले जाए, बोल दिया। और जो इसको इधर उद्धव जी को बोला कि मैंने पद्म कल्प में जो ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था वो भागवत तत्व ज्ञान है उद्धव, तुम हमसे सुनो, क्योंकि उद्धव तुम ज्ञान धारण करने के बाद तुम कहाँ चला जाना, बद्री के आश्रम चला जाना। और जो वहाँ मैत्री मुनि को उपदेश किया कि मैत्री मुनि तुम जो है इस विद्या का उपदेश विदुर को देना। और उद्धव जी के कहा था कि उद्धव न उद्धव अणु अपि मम यूनो ना अर्दित प्रभु अतः मत वयूनम लोके तिष्ठति यह, मतलब उद्धव जो है मेरे से अणु मात्र भी कम नहीं है, ये भी विषय से ऊपर हैं, इस कारण ये भक्ति के प्रचार करने के लिए यहीं रहे, भगवान ने उद्धव को कहा था। तो वहीं वहाँ भगवान ने जो अंतिम लीला की, वहाँ से वहाँ जैसे ही दारुक पहुँचते हैं उनके सारथी, वैसे ही भगवान की रथ आकाश में उड़ गया। उसके बाद ये स्तुति किया तो फिर वहाँ तो थोड़ा रुके और वहाँ रुक करके प्रार्थना इत्यादि किया, सब प्रार्थना सब किया। उद्धव के इधर 31 अध्याय जो उपदेश है भागवत में, वो विशेष रूप से जो भागवत में जो उपदेश है वो उपदेश ही में विशेष रूप से सार है, जिसमें बदन की भजन की पद्धति, सत्संग की पद्धति, मूर्ति के मूर्ति मूर्ति का कैसे प्रकाशन होता है, क्या सब कुछ बताया गया, किस तरह से प्रगति होती है, धर्म क्या है, सब कुछ का निरूपण जो है 31 अध्यायों में किया गया। गीता में 18 अध्यायों में है, वहाँ 31 अध्यायों में किया गया। तो वहीं वहाँ से उद्धव जी इधर आए तो इधर विदुर जी से मुलाकात होती है जमुना तट पे। तो उद्धव जी ये सब पूछते हैं विदुर जी, तो बताते हैं उसके बाद बताते हैं मैत्री मुनि से, कहते हैं कि तुमको अगर विदुर जी कहते हैं कि आप जो है भगवान से जो उपदेश श्रवण किए हैं उद्धव जी को वो मुझे भी सुनाइए। तो उद्धव जी बोलते हैं कि तुमको मैत्री मुनि उपदेश करेंगे, क्योंकि भगवान ने स्वयं आदेश दिया था कि विदुर को उपदेश करने के लिए, तुमको उपदेश करने के लिए स्वयं भगवान ने मैत्री मुनि को आदेश दिया है। तो वहाँ से वो विदुर से विदा होकर मैत्री मुनि के पास जाते हैं विदुर जी। वहाँ मैत्री मुनि से अनेक अनेक प्रश्न करते हैं, प्रश्न करने के बाद मैत्री मुनि बहुत प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं कि आप विदुर जी, आपको आपके लिए भगवान ने स्वयं कहा था कि जो भागवत तत्व का उपदेश है मुझे आपको सुनाने के लिए कहा था, इस कारण मैं आपको सब कुछ सुनाऊंगा। वहाँ से फिर सृष्टि तत्व का आरंभ होता है तृतीय स्कंद में, किस तरह से तत्वों की सृष्टि हुई, पहला प्रश्न ये है। उसके बाद बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी की सृष्टि यहाँ का निरूपण हो रहा है, कह रहे हैं कि पद्मकल्प में जब ब्रह्मा जी अवतीर्ण हुए तो चारों तरफ जल ही जल था, वो भगवान जो कुछ नहीं देख पाए, कुछ था ना पाए, कमन के नाल में नीचे ब्रह्मा जी चले गए, हजारों साल तक घूमते रहे, फिर कुछ नहीं हुआ तो फिर ऊपर निकले, फिर जो है जो व्यंजन का जो ये जो 16 और 21 नंबर जो शब्द तप, ये उनको कहीं से सुनाई पड़ी, इससे तपस्या किया, भगवान ने वो सब तत्व जो भागवत तत्व है चतुर्श्रुति श्लोकी भागवत उसको उपदेश किया है। तो उसके बाद जो है ये बता रहे हैं किस तरह से ब्रह्मा जी सर्वप्रथम सृष्टि की चार कुमारों की, सनातन और संत कुमार चार जो है प्रथम जो सृष्टि है ब्रह्मा की सृष्टि से, ये जो है चारों क्या हो गए, चारों भगवान के भक्त हो गए, भगवत आराधक हो गए, इस कारण ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया, उसके भ्रुकुटी तन गई ब्रह्मा जी के, वहां से रुद्र का प्रकट हुआ। अब रुद्र को आदेश दिया ब्रह्मा जी ने सृष्टि करो, रुद्र ने ऐसी उल्टी पुल्टी सृष्टि की कि जो जगत के जीव है उसको खाने के लिए जोड़े, सब ब्रह्मा जी के ऊपर अटैक कर दिया सब सृष्टि के जीव बोले कि जो ब्रह्मा बोले कि ऐसी सृष्टि तुम मत करो, करने की आवश्यकता नहीं है ऐसी सृष्टि। फिर जो है ब्रह्मा जी कहे कि सृष्टि का विस्तार कैसे हो, तो उन्होंने फिर 10 ऋषियों को उत्पन्न किया, जिसमें अत्रि, पुलस्त, मैत्री मुनि, कर्दम ऋषि इत्यादि, ऐसे करके पुलह, ऐसे करके 10 जो है महर्षियों को सृष्टि किया।
दसवां हस्तियों को जब कोई जो है उनके मुख से निकले, कोई जंगा से निकले, कोई चरणों से निकले, कोई अंगुष्ठ से, ऐसे करके ब्रह्मा जी के सब प्रकट हुए हैं। इसके बाद कर्दम ऋषि, ये जो इनकी बहुत विस्तार हुआ। इसके बाद जो कर्दम ऋषि हैं, नारद जी का जो अंतिम सृष्टि है, नारद जी जो हैं इसमें 10 नंबर हैं, 10 या 11 नंबर, 10 नंबर हैं शायद, 10 नंबर नारद जी हैं, 10 नंबर है ना, नारद जी 10 नंबर हैं। फिर जो है इधर ये ऋषि लोग से अपने विस्तार हुआ। फिर जो है देखिए कि सृष्टि अभी जो है उतना विस्तार हो नहीं पा रहा है। फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने जो दाएं अंग से मनु महाराज को प्रकट किया, स्वयंभू मनु, और बाएं अंग से शत्रुपा, दो स्त्री पुरुष की जोड़ा उत्पन्न हुआ। ये जो है सृष्टि का प्रथम स्त्री पुरुष की जोड़ा है, यहीं से मैथुन सृष्टि आरंभ हुई। उसके पहले जो ऐसी सृष्टि नहीं होती थी, स्त्री पुरुष के मिलन से सृष्टि नहीं होती थी, यहीं से प्रथम सृष्टि। मनु महाराज जी ने 5 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिसमें 2 पुत्र थे और 3 कन्या, उत्तापाद और प्रियव्रत 2 पुत्र हुए, और कन्या आकुति, देहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, देहूति के विवाह कर्दम ऋषि के साथ, और प्रसूति के विवाह दक्ष प्रजापति के साथ, ये चारों का ऐसे विवाह हुआ। इसमें अनेक अनेक वस्तुओं वंशों का इससे विस्तार हुआ। अच्छा, अभी जो है बहुत सुंदर प्रसंग है, और लोग बोलेंगे, आगे करेंगे। वंशागल पितृ वैश्य कृपा सिंधु नाम पावनी विष्णु भुवन। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति वेदांत शिल माधव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात पूज्यपाद प्रभु जी एवं उपस्थित पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात उपस्थित समस्त एवं वैष्णव एवं वैष्णवों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम करते हैं। जैसा कि हम श्रीमद् भागवतम का महात्म एवं श्रीमद् भागवतम में जिस तरह से लीलाएं कथाएं भगवान श्री सुखदेव गोस्वामी किस तरह से वर्णन कर रहे हैं, उनको हम श्रवण कर रहे हैं, तो उसी श्रृंखला में हमने अपना जो टॉपिक शुरू किया था द आर्ट ऑफ सक्सेसफुल डेथ, तो हम उसी को आगे प्रारंभ करते हैं। पिछले सत्र में हमने जहाँ छोड़ा था श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत श्रवण कराना प्रारंभ करते हैं, उसके आगे से हम आज शुरू करते हैं। जब इस कलयुग में थोड़ा सा हम बता दें, इस कलयुग में सर्वप्रथम भागवतम का जो प्रसंग आता है, एक समय की बात है जब कली का प्रभाव होने लगा, हर जगह कली प्रबल रूप से अपना आतंक जब मचाने लगा, तो 88,000 ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी से ऋषि मुनि ने कहा, हे ब्रह्मा जी, पृथ्वी लोक पे कली पूर्ण रूप से हावी हो रहा है, तो हमारे लिए कोई ऐसा स्थान दीजिए जहाँ पर हम शांति के साथ भगवान का यज्ञ कर सकें, भगवान का भजन कर सकें। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा। तो ब्रह्मा जी ने एक मनोमयी चक्र का निर्माण किया और उस चक्र को छोड़ा। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषियों, ये चक्र जहाँ पे जाके छीण हो जाएगा वो स्थान समझो
तुम्हारे लिए सुरक्षित रहेगा, वहाँ पे तुम लोग जाके अपना यज्ञ और भगवान का भजन कर सकते हो। वो यज्ञ चलते चलते एक जंगल में जाके छीण हुआ, जिसको नैमिषारण्य कहते हैं। नैमिषारण्य में जाके चक्र छीण हो गया, 88,000 ऋषि मुनि वहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने भगवान का यज्ञ प्रारंभ किया। जो ऋषि मुनियों की इच्छा थी कि वो 1,000 साल तक यज्ञ करेंगे, 1,000 साल यज्ञ करने का उनका प्लान था। उसी समय कुछ दिनों के बाद यज्ञ हो रहा था, कुछ दिनों के बाद रोम हर्षण के पुत्र श्री उग्र सर्वासुत, जिन्हें हम सुत गोस्वामी कहते हैं, वो वहाँ पर उपस्थित हुए और वहाँ पर श्रीमद् भागवतम की कथा का आयोजन किया गया। सभी ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए। इस तरह से कलयुग में सबसे पहला जो भागवतम का प्रसंग हुआ वहाँ पर हुआ। अब हम आते हैं अपने टॉपिक में। श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, हे परीक्षित, प्रथम स्कंद में तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भगवान की जो जहाँ से महाभारत की शेष कथा रह जाती है उसका वर्णन करते हुए आगे द्वितीय स्कंद में प्रवेश करते हैं, जहाँ पे भगवान को सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को स्वर्ग की कथा सुनाते हैं। सृष्टि का क्रम, किस तरह से सृष्टि होती है और भगवान के अवतारों का वर्णन। उसके बाद सर्ग विसर्ग की कथा। अब यहाँ पे कहते हैं कि ब्रह्मा जी से, लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान है, ब्रह्मा जी ने जगत की सृष्टि की है। तो कहते हैं वास्तव में ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता नहीं है, सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु ही है। ब्रह्मा जी सिर्फ गौड़ सृष्टि करते हैं, जैसे विसर्ग कहते हैं। भगवान से सारे तत्व निकले हैं, जैसे अभी मुरारीपुर ने बताया कि महत्व महत्व से अहंकार, उसको हम ब्लैंक करते हैं, उससे आगे चलते हैं। ब्रह्मा जी ने उन तत्वों का समावेश करके उसको जीवों में फिट किया है। जीव तो पहले से ही थे, उन जीवों को उन शरीरों में उनको फिट किया है, ये ब्रह्मा जी का कार्य है। अब हम द्वितीय स्कंद में सर की कथा सुनाए, उसके बाद तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। तृतीय स्कंद में भगवान श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को उद्धव जी और कृष्ण का संवाद सुनाते हैं, जिसमें सबसे पहले उद्धव जी और कृष्ण का संवाद इस प्रकार है। कृष्ण श्री उद्धव जी को कहते हैं कि हे उद्धव, हमारे अब जाने का समय आ गया है। तो उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण प्रवास क्षेत्र में लेके जाते हैं। प्रवास क्षेत्र में ले जाने के बाद वहां पर उनको श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाते हैं। उस समय तक लगभग भगवान श्री कृष्ण को इस धराधाम पर 125 या 127 वर्ष हो चुके थे। तब उद्धव जी को भागवत कथा सुना रहे थे, उसी समय वहां पर श्री मैत्रेय ऋषि उपस्थित हुए और उस भागवत कथा का श्रवण मैत्रेय जी ने भी किया। किंतु वहां पर एक विशेष बात यह थी कि भगवान के जो मुख्य श्रोता थे उद्धव जी और गौण थे मैत्रेय जी। किंतु जब भगवान ने कहा उनसे, उद्धव जी से, हे उद्धव जी, कुछ दिनों के बाद मेरे प्रिय भक्त विदुर जी तुम्हारे पास आएंगे, तब उनको तुम श्रीमद् भागवतों का ज्ञान प्रदान करने के लिए श्री मैत्रेय जी के पास भेजना। इतना कहकर भगवान उसी समय उद्धव जी के आंखों देखते हुए श्रीमद् भागवतम ग्रंथ रूप में प्रविष्ट हुए। उसके बाद उद्धव जी बहुत दुखी हुए और दुखी होकर अपने घर वापस आ गए। श्री मैत्रेय जी हरिद्वार में चले गए भजन करने के लिए। कुछ दिनों के बाद जब विदुर जी आए उद्धव जी के पास, तब भक्तों का मिलन, भागवतम में बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत अच्छे से वर्णन है। दोनों भक्तों के, उद्धव जी के और विदुर जी के, आंखों में अश्रु हैं, अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं निरंतर। एक छोटी सी कथा भगवान प्रभु जी बताते हैं हमें कभी कि भक्तों का मिलन किस तरह से होता है। बंगाल में ना बहुत अच्छे से वैष्णव लोग मिलते हैं एक दूसरे से। एक बार की बात है, एक वैष्णव कहीं दूसरे क्षेत्र से आ रहे थे और दूसरे वैष्णव दूसरे क्षेत्र से आ रहे थे, तो एक खेत से निकल रहे थे। खेत में डिवाइड करने के लिए, विभाजन करने के लिए बीच में एक मेड़ होती है, एक बाउंड्री जैसी, जिसे मेड़ बोलते हैं।
उसमें से गुजर रहे थे। दोनों वैष्णवों का आपस में मिलन हुआ तो एक दूसरे से खेलने लगे, प्रभु जी अमी अधम, प्रभु जी अमी अधम। और इस तरह से करते करते उनको बहुत देर हो गई और उसका जो खेत धान की खेती थी आसपास में वो भी बहुत सारी खराब हो गई। प्रभु हमी अधम अभी अधम। अब थोड़ी देर में वहां पे वो खेत का मालिक आया, उसने उन दोनों को खूब धोया, बोले तुम दोनों अधम हमी उत्तम। तो इस तरह से भक्तों का मिलन होता है। लेकिन ये तो सिर्फ भक्तों को हंसाने के लिए इस तरह के प्रसंग बोले जाते हैं। लेकिन उद्धव जी का और अच्छा, अब उद्धव जी और विदुर जी का मिलन हुआ। उसके बाद उद्धव जी ने विदुर जी से कहा, हे विदुर जी, आपको श्रीमद् भागवतम का ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्री मैत्र ऋषि के पास जाना होगा। तब विदुर जी मैत्र ऋषि के पास पहुंचते हैं। उसके बाद इसी स्कंद में, तृतीय स्कंद में ब्रह्मा जी की कथा आती है कि ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे और सबसे पहले ब्रह्मा जी ने चार कुमारों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनत कुमार। सनत कुमार क्या नाम है? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चार कुमारों को उत्पन्न किया। अब उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेरे पुत्रों तुम लोग सृष्टि करो। चारों कुमारों ने मना कर दिया, पिताजी ये हमारे बस की बात नहीं है तो इसलिए हम सृष्टि नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद ब्रह्मा जी ने नारद जी को प्रकट किया, नारद जी ने भी मना कर दिया। हाँ, उनको छोड़ दिया। उस प्रकार से उसका निवृत्ति और प्रचेता, इस प्रकार से ब्रह्मा जी के सबसे पहले 10 पुत्र हुए और 10 के 10 ब्रह्मचारी बन गए। अंत में ब्रह्मा जी ने अपने वाएं अंग से सतुरूपा और दाएं अंग से मनु को प्रकट किया। चतुसन ने शादी नहीं की? अच्छा, प्रचेता निवृत्ति है। अच्छा, इस तरह से जब मनु और शत्रुपा का प्रकट हुआ तब ब्रह्मा जी ने कहा तुम दोनों पृथ्वी पे जाओ और सृष्टि करो। जब मनु महाराज पृथ्वी पे आए तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी है ही नहीं, वो फिर वापस पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, पिताजी नीचे तो पृथ्वी है ही नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। ब्रह्मा जी भी आए, ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी को उस समय ब्रह्मा जी को छींक आई, उन छींक से एक छोटा सा छिद्र निकला, वो छिद्र छोटा सा छिद्र जीव निकला जो देखते देखते एक विशाल रूप धारण किया और देखते देखते इतना विशाल एक सूकर के रूप में प्रकट हुआ और उसने बहुत तेजी से समुद्र के अंदर छलांग लगाई, पानी के अंदर गया और पृथ्वी को लेके आया और पृथ्वी को उसकी धुरी पे टिका रख दिया। उसके बाद उन्होंने जो असुर पृथ्वी को लेके गया था, हिरणाक्ष इसका नाम था, उसका वध किया। अब हिरणाक्ष ने पृथ्वी को क्यों ले गया जमीन में? क्योंकि हिरणाक्ष बहुत शक्तिशाली था, वो देवताओं को भी बस में कर रखा था उसने, लेकिन फिर भी उसको डर रहता था कि जो पृथ्वी है ना इस पे बहुत सारे यज्ञ होते हैं, देवता लोग यज्ञ करते हैं और जो मनुष्य लोग यज्ञ करते हैं इससे देवताओं को शक्ति मिलती है, विष्णु को शक्ति मिलती है, और ये पृथ्वी नहीं रहेगी तो यज्ञ नहीं होंगे और इनकी शक्ति छीण हो जाएगी और मैं पूरा भरफुल बन जाऊंगा पूरा। इस तरह से फिर मनु महाराज ने और सतुरूपा ने इस पृथ्वी पर आकर सृष्टि प्रारंभ की। इसमें कहते हैं कि मनुष्य को मानुष क्यों कहा जाता है, तो उसे कहते हैं इसीलिए क्योंकि मनु महाराज से इसकी उत्पत्ति हुई। अब यहाँ पर हम लोग, अगर आप लोग भी पढ़े हों मेरी तरह तो शायद, क्योंकि आप लोग विशेष रूप से अलग से पढ़े हैं, क्योंकि जहाँ पर पढ़ाई की बात आती है वहाँ पर मैं फेल हो जाता हूँ, जहाँ पर पढ़ाई लिखाई की बात आती है वहाँ पर मैं थोड़ा फेल हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे शायद सिलेबस में कुछ और ही था, आप लोगों का नहीं था। वो हमने तीसरी चौथी क्लास में इतिहास में ये पढ़ा था, वहाँ पर डार्विन का सिद्धांत है कि हमारे पूर्वज बंदर थे
मनुष्य बंदर से आए हैं। धीरे धीरे मनुष्य उन बंदरों का विकास हुआ और उनकी पूंछ गायब हो गई, उनकी बुद्धि का विकास हुआ और उनके शरीर के बाल भी कम हो गए और मनुष्य बन गए। इस तरह की हमारा डार्विनवाद, हमारे बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, हम लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों को मालूम होना चाहिए अमेरिका में इस फिलॉसफी पे पूरा वैन है, वहाँ पे ये फिलॉसफी नहीं पढ़ाई जाती है बच्चों को, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है। तो कुछ लोग के हम भी पहले यही थे, हम टीचर से थोड़ी बोलते हैं टीचर जी ना, हम तो मनु महाराज से आए, हम जानते ही नहीं थे कहाँ से बोलते। तो ये हमारे यहाँ फिलॉसफी पढ़ाई जाती है। इसके बाद जब मनु और शत्रुपा ने सृष्टि प्रारंभ की तो सबसे पहले मनु महाराज से, जो मनुराबू ने बताए, तीन पुत्र हुए दो पुत्री हुई, हाँ तीन पुत्री दो पुत्र हुए, उस तरह से उनके विवाह हुए। और इसके बाद हम लोग इस प्रकार कपिल देवहूति माता का संवाद है, उसमें कपिल महाराज माता देवहूति को कहते हैं, हे माते सतांग प्रसंगान मम वीर संवेदो। इस तरह से इस श्लोक में साधु की महिमा की साधुओं के मुख से कथा सुननी चाहिए। इस प्रकार माता को उपदेश देते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी तृतीय स्कंद को समाप्त करते हैं। अगली बार हम लोग चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पत रूपेश कृपा सिंधु व्यवचा पतिता नाम पावने वैष्णव। तो तुम बोलो गौर सुंदर, तुम जो बड़ा है पीड़ों बोलो, इसको आगे बोलो। अभी ये जो कपिल देव संवाद है ना, ये संवाद बहुत अच्छी अच्छी बात, इसको 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 अच्छी तरह से तैयार करना। हाँ अच्छे अच्छे श्लोक है, अच्छे अच्छे विचार उसमें हैं, उसको अच्छे तरह से तैयार करना। अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम श्री श्रीमद भक्ति विदान श्री दुर्ग स्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत समस्त रूपानु गुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मेरा यथायोग्य प्रणाम। हम लोग पिछली बार श्रवण कर रहे थे किस प्रकार वेणुगीत के अंतर्गत श्री गोपियों, सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी पाद ने श्री शरद ऋतु का वर्णन किया, और शरद ऋतु में भगवान कृष्ण ने जब वृंदावन में प्रवेश किया है तो वृंदावन की अपूर्व शोभा थी, उसके बारे में हम विस्तृत रूप में हमने श्रवण किया। तत्पश्चात गोपियों, जब कृष्ण ने वेणुवादन किया है तो गोपियों के कानों में जब वह वेणु की ध्वनि गई और उनके हृदय में वो ध्वनि ने प्रवेश करते हुए कृष्ण के सुंदर स्वरूप को वहाँ पर आविर्भूत करवा दिया। कृष्ण का सुंदर स्वरूप गोपियों के हृदय में प्रकट हुआ और वे वेणु की माधुरी का गान करने के लिए विचार कर रही थी, लेकिन कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करते करते वह कुछ वर्णन नहीं कर पाई, उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। और उस समय पर श्री सुखदेव गोस्वामी पाद, क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं, तो उन्होंने गोपियों को किस स्वरूप का वर्णन, किस स्वरूप का स्मरण हुआ है उसको वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे थे, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। हमने श्रवण किया था किस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक एक शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बरहा पीड़म के बाद में कह रहे हैं नटवर वपु, तो गोपियों ने नटवर वपु जब शब्द व्यवहार किया उसके लिए श्री चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण जब वन में प्रवेश कर रहे हैं अपने ग्वाल बाल गैयाओं सखाओं के साथ में, तो उनके चरण कमल बड़ी सुंदर नृत्य भंगिमाओं, जैसे एक नटवर के जैसे नृत्य करता है, उसी प्रकार कृष्ण का सुंदर स्वरूप है। लेकिन यहां पर गोपियां मनी मन विचार भी कर रही हैं कि ऐसा विश्व में कौन नटवर होगा जिसको हम उपमान बना के और कृष्ण को उपमेय बना के उसकी तुलना करें, क्योंकि कृष्ण क्या है, वह सर्वश्रेष्ठ नट है। ऐसा विश्व में ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसकी तुलना कृष्ण के साथ में की जा सके, क्योंकि साधारणतः क्या होता है कि यदि हम किसी से कहें कि तुम्हारी आंखें कमल जैसी है, तो आंखों को कमल के साथ में तुलना करते हुए जो उपमेय है, उपमेय अर्थात जो जिसके साथ में तुलना कर रहे हैं, तो वो श्रेष्ठ होता है, कमल श्रेष्ठ है यहां पर। लेकिन यहां पर जब गोपियां कह रही नटवर वपु, तो उस समय पर कृष्ण
उसकी एक साधारण नट के साथ में तुलना हो ही नहीं सकती, क्योंकि कृष्ण का त्रिभंग ललित स्वरूप इतना सुंदर देखने में है, विश्व में इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं होगा जिसको जिनका स्वरूप कृष्ण के साथ में हो। इसलिए गोपियां यहां पर असमंजस में है कि हमने नटवर वपू कहा तो, लेकिन क्या वो ठीक उपमा है भी या नहीं। और एक बात कह रहे हैं कि नटराज शिव जी का एक नाम है नटराज, और नटराज के भी जो गुरु हैं अर्थात उनको भी जो नृत्य विद्या में पारंगत कर बनाते हैं वे हैं भगवान कृष्ण। शास्त्रों में कई ऐसे प्रमाण है जिसके अंदर बताया है कि शिवजी भी कृष्ण के शिष्य हैं नट विद्या में, तो उनका एक नाम है नटराज, लेकिन नटराज के भी जो पति हैं इसलिए कहा नटवर। तो यहां पर गोपियां मनीमन विचार कर रही हैं कि कृष्ण का अलौकिक स्वरूप देखकर ऐसा लगता है उनके सारे अंग प्रत्यंग, उनकी सारी भंगिमाएं मान लो सुंदर रूप में नृत्य कर रही हो। जब कृष्ण वन में प्रवेश करते हैं तो उनके चरणों में सुंदर सुंदर नुपुर बज रहे हैं, वह नुपुर की रुणझुन ध्वनि से ऐसा लगता है कि उनके नुपुर में एक एक नुपुर भी नृत्य कर रहा है, उनके चरण नृत्य करते हुए चल रहे हैं। कृष्ण का पीताम्बर उन्होंने पहन रखा है, वह स्वर्णिम पीताम्बर भी नृत्य कर रहा है। कृष्ण के वक्षस्थल पर वैजंती माला दोलायमान है, वो वैजंती माला भी नृत्य कर रही है। कृष्ण उस समय पर वेणु वादन कर रहे हैं, तो वेणु वादन करते हुए उन्होंने अपने अधर कमल पर वेणु को रख रखा है और उनकी अंगुलियां भी विचित्र तरीके से नृत्य कर रही हैं। कृष्ण के कानों में मकराकृत कुंडल है, वे मकराकृत कुंडल भी नृत्य कर रहे हैं। और कृष्ण की आंखें बड़ी चंचल है, चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि मृग के समान कृष्ण की ऐसी चंचल आंखें हैं, वे भी विभिन्न भंगिमाओं से नृत्य कर रही हैं। और उनके साथ में ग्वाल बाल जो चल रहे हैं सारी गैयाएं, वे भी नृत्य कर रही हैं। वृक्ष की लताएं पताएं कृष्ण की वेणुनाद सुन के सबको नृत्य कर रहा है। अरे सखी क्या बताऊं, जो इस नृत्य भंगिमा को दर्शन करता है, जो इसका श्रवण का कीर्तन करता है, उनका हृदय भी परमानंद में नृत्य करने लग जाता है। चक्रवर्ती ठाकुर इतनी सुंदर यहाँ पर वर्णन करते हैं, इसलिए गोपियां कह रहे हैं नटवर वपुहु, अर्थात कृष्ण का नट स्वरूप है, इतना सुंदर नटवर स्वरूप है। बाद में कह रहे हैं कर्णयो कर्णिकारम, कर्णयो कर्णिकारम, कर्णयो द्विवचन किंतु कर्णिकारम, अर्थात कानों में, दोनों कानों में से एक कान में उन्होंने कनेर पुष्प धारण कर रखा है। ये कनेर पुष्प पीले रंग का एक सुंदर पुष्प होता है, ऊपर से खिला हुआ। ये कनेर पुष्प की क्या विशेषता होती है, जब सूर्योदय होता है उस समय पर यह कनेर पुष्प विकसित होता है, इसका मुख ऊपर की तरफ खुला हुआ होता है, और जैसे जैसे सूर्य घूमता है उसी के साथ साथ ये पुष्प भी साथ साथ उसका घूमता है। तो ये मानो कृष्ण ये कनेर पुष्प सूर्य के प्रति अपना अनुराग व्यक्त कर रहा है। उसी प्रकार जब कृष्ण गोचारण के लिए नंद भवन से निकलते हैं, नंद भवन से निकल के और वन की ओर गमन करते वक्त सारी गोपियां कृष्ण को ऊपर अट्टालिकाओं से ताकती हैं, अट्टालिकाओं से कृष्ण का दर्शन करती है। तो कृष्ण भी यहां पर मानो उस कनेर पुष्प के माध्यम से क्या कर रहे हैं, उस कनेर पुष्प का मुख, जैसे क्या होता है कनेर पुष्प का मुख सूर्य की तरफ अभिमुख होके और वो अपना प्रीति दिखाता है, ऐसे ही कृष्ण भी कनेर पुष्प को अपने कान के ऊपर लगा के और उसका मुख गोपियों की तरफ इंगित करते हुए अपनी प्रीति को ही दर्शा रहे हैं, कनेर पुष्प और दोनों में से एक ही कान पर। श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि कृष्ण ने क्योंकि अभी कुमार श्री किशोर वयस में प्रवेश किया है, इसलिए किशोर वयस का एक अल्हड़पन होता है, तो उसको दर्शाने के लिए उन्होंने क्या कर रहे हैं, दोनों में से किसी एक कान पर ही कनेर पुष्प धारण कर रहे हैं, इसलिए कर्णयो कर्णिकारम। उसके बाद कह रहे हैं बिभ्रदवास कनक कपिशयम, ठाकुर जी का श्याम स्वरूप है, उनका नव जलधर स्वरूप श्याम अंग उनकी अंग कांति है और उसपे उन्होंने पीताम्बर धारण कर रखा है। कनक कपिशयम अर्थात सुंदर पीताम्बर धारण कर रखा है। पीताम्बर क्यों धारण करते हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी की अंग कांति कैसी है, पीताम्बर, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। श्री राधा जी की अंग कांति पीताम्बर श्री स्वर्ण तपते हुए स्वर्ण के समान है, इसीलिए उनके प्रति अनुराग को दर्शाता है ये पीताम्बर, इसलिए विभ्रदवास कनक कपिशयम। उसके बाद में कह रहे हैं रंध्रान वेणुर अधर सुधय पूरयन गोप वृंदे, रंध्रान वेणु, कृष्ण क्या कर रहे हैं अपने अधर कमल पर उस वेणु को रख कर और उसके छिद्रों को रुद्ध करते हुए स्वयं अपना अधरामृत उसके अंदर उसके अंदर डाल रहे हैं और अपने अधरामृत से मानो उस वेणु को ही पूर्ण कर रहे हैं, क्योंकि इस वेणु के अंदर बड़े छिद्र हैं और यदि कृष्ण का संग प्राप्त करके भी किसी के अंदर छिद्र रह जाएं तो ये बड़ी शोभ की बात होगी। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण मानो
अनेक चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि वेणु के लिए संभव नहीं है कि वो छिद्रहीन हो जाए। वेणु छिद्रहीन नहीं हो सकती, उसमें छिद्र रहेंगे ही। तो कृष्ण क्या कर रहे हैं, स्वयं अपने अधरामृत को के द्वारा उसको परिपूर्ण करने की चेष्टा कर रहे हैं। यहां पर बतला रहे हैं आगे कि कृष्ण की मुरली कैसी है, कि कृष्ण की वंशी ध्वनि के द्वारा जब कृष्ण वेणुवादन करते हैं तो उससे सूखे वृक्ष भी पल्लवित और पुष्पित हो जाते हैं, वहां पर अनेक शिलाएं भी द्रवीभूत हो जाती हैं। लेकिन इस वंशी का कितना कैसा जीवन है, इस वंशी ये क्या, इसके छिद्र कभी दूर नहीं हो रहे। इस वंशी का जो कठिन स्वभाव है वो दूर नहीं हो रहा है, इसलिए मानो गोपियां यहां पर कह रही हैं कि वंशी ने सदवंश में जन्म तो लिया, इसने सदवंश में जन्म लिया है और देखने में प्राय सरल भी लगती है, इसी वजह से उसको कृष्ण का संग भी प्राप्त हुआ, कृष्ण संग भी प्राप्त हो रहा है। यद्यपि देखा जाता है कि संसार में कई लोग हैं जो छिद्रयुक्त हैं, किंतु कृष्ण सभी को छिद्रहीन करने की चेष्टा नहीं करते, क्योंकि वेणु का सदवंश में जन्म हुआ है और प्राय सरल भी है, इसलिए उसको कृष्ण का संग प्राप्त हुआ है। किंतु कृष्ण संग प्राप्त करने पर भी, क्योंकि अंतर सार शून्य है, अंदर से खाली है, इसलिए क्या कर रही है, उससे कुछ लाभ नहीं हो रहा। यहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें शिक्षा देते हैं कि मानो यदि कोई श्रेष्ठ कुल में भी जन्म क्यों ना ले और बहुत ही सरल स्वभाव भी हो, और सरल स्वभाव के फलस्वरूप उसे क्या हो रहा हो, श्रेष्ठ संग प्राप्त हो रहा हो, किंतु यदि अंतसार शून्य रहेगा तो फिर उस श्रेष्ठ संग का भी कोई लाभ नहीं है। इसलिए कृष्ण की वंशी ध्वनि ऐसी है कि वो अपने अधरामृत के द्वारा जब वेणुवनाद करते हैं तो वह स्थावर जंगम को भी मोहित कर देती है। श्री रूप गोस्वामी पाद तो अपने विदग्ध माधव नाटक में बड़ा सुंदर श्लोक उद्धृत करते हैं कि रुद्धन अम्बु भूतश्चमत्कृति पर कुर्वन मुहुस्तुम्बुरुम ध्यानाद अंतर्यन सनंदन मुखान विस्मापयन वेधसम उत्सुक्या वलिभिर वलीर चटुलयन भोगिंद्रम आधुर्नयन भिंदन अंध कटाद्र भित्तिर माभतो वभ्राम वंशी ध्वनि। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि जब कृष्ण वेणुनाद करते हैं तो रुद्धन अम्बु, जो आकाश में मेघ है, आकाश में मेघ की गति रुद्ध हो जाती है, मेघ की गति रुक जाती है, और चमत्कृति कुर्वन मुहुस्तुम्बुरम, जो गंधर्व श्रेष्ठ, जो गंधर्वों के संगीत श्रेष्ठ आचार्य हैं श्री तुम्बुरु जी, वे भी कृष्ण की वेणुनाद सुनके और चमत्कृत हो जाते हैं कि इतना सुंदर शब्द कहां से आ रहा है। ध्यानाद अंतर्यन सनंदन मुखान, कि सनत सनातन सनत कुमार, ये चतुसन जब ध्यान में बैठे होते हैं इनकी समाधि टूट जाती है, और विस्मापयन वेद सम, ब्रह्मा जी जो समस्त वेदों के ज्ञाता हैं उनकी भी, वे भी विस्मित हो जाते हैं कि इतनी सुंदर ध्वनि कहां से आ रही है। उत्सुक्या वलिभिर वली चटुलयन, कि सुतल लोक में विराजमान जो बलि महाराज है उनके भी हृदय में अनेक अनेक कामनाएं उत्पन्न हो जाती है, वे भी उनका मन, उनके चित्त चंचल हो जाता है इस वेणुनाद को श्रवण करके। और जो अनंत शेष है, अनंत देव हैं, उन्होंने, उनका माथा घूमने लगता है वेणुनाद सुन के, उनका माथा भी घूमने लगता है कि इतनी सुंदर ध्वनि कहां से आ रही है। इसलिए कह रहे हैं कृष्ण की ऐसी वंशी ध्वनि त्रिभुवन में पूरा चमत्कार कर देती है, और जिस जिस ब्रजवासियों का जिस जिस प्रकार का कृष्ण के प्रति भाव है उसी भाव को वर्धित करती हुई ये वेणु सर्वत्र चमत्कार फैला रही है। इसलिए कह रहे हैं रंध्रान वेणुर अधर सुधया। उसके बाद कह रहे हैं वृंदावरण्यम स्वपद रमणम, अर्थात कृष्ण जब वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, क्या हुआ है, कृष्ण गोचारण के लिए जब नंद भवन से निकले हैं, हम श्रवण करते हैं ना किस प्रकार, कभी जब कृष्ण ने इच्छा करी कि मां मैं गोचारण के लिए जाऊंगा, तो मैया यशोदा ने उनके लिए सुंदर जूती और एक छतरी की व्यवस्था करी। अभी कृष्ण यहां पर छोटे बालक हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि मैया हम गोपाल हैं और हमारे इष्ट है गैया, तो हमें इनकी सेवा करनी चाहिए। ये सारी गैया, हमारे पास में 9 लाख गैया हैं, और ये सारी गैया तो जा रही है बिना जूतों के, बिना छतरी के, और तुम मेरे और दाऊद भैया के लिए जूती और छतरी तैयार कर रही हो। अगर तुम चाहती हो कि मैं जूती और छतरी धारण करूं, तो तुम ये सारी गायों के लिए भी क्या करो, 4-4 जूती और एक एक छतरी तैयार करो, तब जाकर तो मैं जूती पहनूंगा, है ना। तो इसलिए यहां पर कृष्ण यहां वृंदावन का इतना सौभाग्य वर्णन कर रहे हैं कि वैकुंठ गोलोक वृंदावन से भी श्रेष्ठ धाम ये वृंदावन है। श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं ना, वैकुंठ जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सव, कह रहे हैं कि वैकुंठ इत्यादि सब धामों से भी श्रेष्ठ है ये वृंदावन धाम। क्यों? क्योंकि अगर ये यहां पर कंकड़ कांटे इत्यादि होने पर भी ये धाम कृष्ण को बड़ा प्रिय है,
ये धाम कृष्ण को बड़ा प्रिय है। यदि ऐसा नहीं होता तो कृष्ण क्यों अपने धामों को छोड़कर और यहाँ पर इतना सुंदर सुंदर लीला विलास करते। इसलिए वृंदावन श्रेष्ठ तो है ही, और उस पर भी कृष्ण ने अनेक अनेक धाम, दूसरे धामों में देखा जाता है कृष्ण गरुड़ के पीठ पर विराजमान रहते हैं, या रत्न सिंहासन पर विराजमान रहते हैं, या फिर कृष्ण और अपने चरणों में मणियुक्त पादुका भी धारण करते हैं। लेकिन वृंदावन को सौभाग्य तो देखो, वृंदावन में कृष्ण ने क्या किया, नंगे पैर वहां पर चल रहे हैं, गौओं के पीछे पीछे नंगे पैर चलते हुए, और उनके चरणों में जो शंख चक्र ध्वज इत्यादि चिन्ह है वो सारे चिन्ह वृंदावन की भूमि पर सुशोभित हो रहे हैं। इसलिए वृंदारण्यम स्वपद रमणम, अपने पदांकित अपने पद के अपने चरणों के सारे चिन्हों से वृंदावन की भूमि को बड़ा सुशोभित कर रखा है। उसके बाद में कह रहे हैं गोप वृंदे गीत कीर्ति, अर्थात कृष्ण के साथ में सारे ग्वाल बाल जो चल रहे हैं वो कृष्ण की मधुर स्वरूप का, कृष्ण के सुंदर स्वरूप का गुणगान कर रहे हैं। कृष्ण का यश, कृष्ण का पराक्रम, कृष्ण ने जिस प्रकार वेणुनाद कर रहे हैं उस वेणुनाद की मधुर ध्वनि की, कृष्ण की इस प्रकार ख्याति गाते हुए उनके पीछे 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 चल रहे हैं। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर एक बात और कहते हैं कि गोपियों द्वारा जो ये सुंदर स्वरूप का वर्णन हुआ है, यद्यपि भागवत में और भी कृष्ण के स्वरूप का अनेक जगह पर वर्णन है, लेकिन उसमें से प्रायः तीन जगह जो तीन श्लोक हम लोग जानते हैं। पहला जो ब्रह्मा जी ने स्तुति करी है, ब्रह्मा जी कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं नौमिड्डिते अब्रवपुषे तड़ितम वराय, और श्री यज्ञ पत्नियों ने जब स्तुति करी है श्यामम हिरण्य परिदिम वनमाल्य वरहा धातु प्रवाल नटवेशम अनुवृतांशे, तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि इन तीनों श्लोकों में से देखा जाता है कि श्री गोपियों के हृदय में जो कृष्ण की सुंदर स्वरूप स्फुरित हुआ है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि श्री ब्रह्मा जी ने जो पहली स्तुति करी है नौमिड्यते अब्र वपुषे, उसके अंदर ऐश्वर्य मिश्रित है। श्री ब्रह्मा जी कृष्ण के दास हैं, और दास भाव होने के कारण जैसे उन्होंने कहा ना नौमिड्यते, मैं नमस्कार करता हूं, इड्य अर्थात आप मेरे ईश्वर हो, तो नौमी अर्थात ये सारे शब्द क्या है, ऐश्वर्य पूरक है, तो उनकी स्तुति में ऐश्वर्य झलकता है। दूसरी जब यज्ञ पत्नियों ने जो स्तुति करी है उन्होंने क्या कहा, श्यामम हिरण्य परिदिम वनमाल्य, तो यहां पर उनकी स्तुति में ऐश्वर्य यदि यद्यपि परिलक्षित ना हो लेकिन फिर भी क्या है, वो ब्राह्मणी होने के कारण, ब्राह्मण ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुई ना, तो ब्राह्मणी होने के कारण उनको कृष्ण की मधुर लीला में प्रवेश नहीं है। उन्होंने ये स्तुति कहां पर करी थी, भातरौल में, और मतलब मथुरा और वृंदावन ऐश्वर्य भूमि और श्री माधुरी भूमि के बीच का वो स्थान है। तो श्री श्रील महाराज जी की टीका में पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा है कि हो सकता है अगले जन्मों में उन्हें श्री ब्रज में जन्म मिला हो और नित्य सिद्धा गोपियों का संग प्राप्त करके उन्हें कृष्ण की सेवा भी मिली हो, लेकिन अगर तटस्थ रूप से विचार करेंगे तो श्री गोपियों द्वारा जो महिमा वर्णित हुई है वही सबसे सर्वश्रेष्ठ, गोपियों के हृदय में जो कृष्ण का सुंदर स्वरूप स्फुरित हुआ है वो ही सबसे सर्वश्रेष्ठ होकर यहाँ पर विराजमान है। यही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरु वश्य कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि बोल हरे कृष्णा। हाँ देखो जो वेणुगीत जो ग्रंथ है ना, जब गुरुदेव मथुरा वृंदावन में जब कथा करते थे, कहती है कथा को सविता, सविता यहाँ पर है, सविता कहाँ है, दिख नहीं रही। हाँ इसने वो सब कथा को नोट की है, सारी कथा गुरुदेव जो कथा किए थे, फिर इसने जो कथा की इससे, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका, और जीव गोस्वामी सनातन गोस्वामी ये सब टीका को दे दा करके फिर गुरुदेव ने ये ग्रंथों को वेणु गीत को प्रकाशित किया। इसमें सविता ने बहुत परिश्रम किया है। हाँ सविता दीदी की जय। हरे कृष्ण। ललिता तुम भी काम की उसमें, ललिता ओम ज्ञान तिमिराम धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को जथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग पहले श्रवण कर रहे थे जब श्री उद्धव जी को साथ में श्री विदुर जी की साक्षात्कार हुई, उसी समय श्री उद्धव जी विदुर जी को कृष्ण की सुंदर सुंदर महिमा को गुणगान कर रहे हैं और विशेष करके उन्होंने तीन श्लोकों को द्वारा कृष्ण की महिमा को उन्होंने गाए हैं। पहला जो श्लोक था हम लोग श्रवण कर रहे थे हैं, कौन सा है? जन्मर्त लीलो पैकम सोजोग माया बल दर्शयता। कृष्ण कैसे अपना जोग माया को आश्रय करते हुए ये मर्त्य लीला के अनुरूप उन्होंने ऐसे रूप उन्होंने धारण किया। कैसे रूप? बोले परम पदम भूषणांग भूषणांग में और विस्पापनम स्वच्छ सौभोग गर्दे। इसलिए कृष्ण स्वयं जो अपना लीलाओं को दर्शन करके कृष्ण स्वयं आश्चर्य में पड़ जाते थे और कैसे रूप है कहते भूषणांग भूषणांग में। इसलिए कृष्ण इतने सुंदर है इतने सुंदर, यहाँ पर कहते हम लक्ष्मी भी कृष्ण की सुंदरता में आकृष्ट होकर के कहते बिहाय कामान सुचिरा धृतवता। उन्होंने वैकुंठ को छोड़ दिए और अभी भी लक्ष्मी लक्ष्मी को कहीं भी देखो आप देखोगे लक्ष्मी को ऐसे बैठे हुए देखोगे आशीर्वाद देते हुए सब जगह में। लक्ष्मी के आशीर्वाद दुनिया चाहते हैं, लक्ष्मी के बगैर कुछ होने वाले नहीं है, लेकिन इसलिए सारा दुनिया लक्ष्मी की आशीर्वाद चाहती है। लेकिन इन केवल एक जगह में देखेंगे बेल वन में लक्ष्मी हाथ जोड़कर बैठी हुई आप देखोगे, मतलब ये वृंदावन धाम की कृष्ण की माधुर्य की इतने महिमा लक्ष्मी भी जिनकी वृंदावन धाम और रासलीला में लक्ष्मी भी प्रवेश करना चाहते हैं। कहते लक्ष्मी भी की बात छोड़ दो, मतलब दिजात मजा में जुबयोर दुदुक्षणा। इसलिए द्वारका लीला में जिस समय कृष्ण जब द्वारका लीला कर रहे थे, कैसे एक ब्राह्मण का बेटा जन्म लेता है मर जाता है, जन्म लेता है मर जाता है। एक दिन वहां पर अर्जुन बैठे हुए थे जहां पर कृष्ण बलराम प्रद्युम्न अनिरुद्ध सबके सब बैठे हुए। उसने अपना मरा हुआ बेटे को लाकर कृष्ण को सामने फेंक दी, बोली राजा अधर्मी है, क्योंकि राजा का पाप को प्रजा को भोग करना पड़ता है, इसलिए राजा बनना इतने आसानी बात नहीं ये, क्योंकि नियम है। पहले क्या नियम था? उनका परमायु पूर्ण नहीं होने से पहले कोई नहीं मरते थे। बोले मेरा बेटा क्यों मर रहा है? मतलब राजा अधर्मी। कृष्ण बात इसको सुन करके तो अर्जुन कहाँ भगवान की निंदा को सुन सकता है, बोले अगली बार तेरे बच्चे को मैंने रक्षा करूंगा। आप लोग सब पता है हैं? इतने में ब्राह्मण ने कहा तू क्या रक्षा करोगे, यहाँ कृष्ण बैठे बलदेव प्रभु प्रद्युम्न अनिरुद्ध चतुर्भुज बैठे हुए सक्यात भक्त, जब ये नहीं रक्षा कर पाए तो हिजड़ा क्या रक्षा करोगे। क्योंकि उन्होंने कभी नपुंसक दिया था ना विराट विराट रहे, बोले तुम क्या रक्षा करोगे, बोले मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं बलदेव प्रभु में प्रद्युम्न अनिरुद्ध ने मैं गांडीवधारी अर्जुन हूँ। अगर तेरे बच्चे को मैंने रक्षा नहीं कर पाए ना बात सशरीर में अग्नि में आहुति शरीर को कर दूंगा। आप सब कथा जानते हो कैसे लास्ट में उन्होंने बाण से कैसे घर को बांध दिया, इसके अंदर में हाई तक वायु तक भी नहीं प्रवेश कर सकती है। लेकिन हर बार तो बच्चा जन्म होते ही शरीर छोड़ता था रोता था, इस बार जन्म होते ही शरीर समेत गाय। इतने में अर्जुन तो खड़े होकर रक्षा कर रहा था, इतने में अर्जुन तो साधारण नहीं, वो बैठ गया ध्यान में अपना दिव्य चक्षु से भूर भूव मोह जन तप सत्य लोक के फिर अतल बीताल तला तला पाताल सुतल लोक में गए, सारे ध्यान में सब कुछ देख लिया। लेकिन तो यहाँ तो थे ही नहीं,
वो तो भगवान के पास है, भगवान नारायण के पास, नारायण ले लिया। फिर अर्जुन जब अपना शरीर को अग्नि जला करके दाह करने जा रहा था, कृष्णा अर्जुन को लेकर गए, बोले चलो। फिर गए भगवान विष्णु के पास में, गई वहां पर स्वयं विष्णु ये बात कहते हैं, बोले प्रभु मैंने आपको ये रूप को दर्शन करने के लिए ही मैंने ये बच्चों को चोरी किया। यहाँ पर कहते हैं कृष्ण इतने सुंदर है, नारायण भी चोरी करते हैं कृष्ण को दर्शन करने के लिए, इतने कृष्ण सुंदर है। बोले इनकी बात छोड़ दो, रूप गोस्वामी कहते हैं कि अपर कलित पूर्वम कश्चमत करकारी। इसलिए फिर कहते हैं कृष्ण ने माधुर्य सुनी वासुदेव खोब, कृष्ण इतने सुंदर, जब मथुरे से कृष्ण, जब ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के रूप को दर्शन करते हैं, देख करके जो मथुरे से कृष्ण उनका माधुर्य को देख करके वो भी स्वयं पागल हो जाते हैं, वो स्वयं भ्रमित हो जाते हैं, हैं? उनको देख कर इनके हृदय में भी खोब प्रकट होता है। इसलिए हमारी इसमें कथा आती है ना, इसमें बृहत भागवतामृत में, जिस समय कृष्ण ब्रज की चिंतन करते करते बेहोश हो गए, फिर उनको होश लाने के लिए कैसे ब्रह्मा जी ने नव वृंदावन सृष्टि किया, और कृष्ण को कैसे गरुड़ को पीठ पर बैठा कर कैसे ले गई, और वहां पर कैसे नव वृंदावन सृष्टि की, कृष्ण का ड्रेस को कैसे पूरा वृंदावन का ड्रेस हमें सुसज्जित कर दिया, बलदेव प्रभु भी मथुरा वेश छोड़ करके उन्होंने भी किया, द्वारका वेश छोड़ करके ब्रज वेश धारण किया, और वहां पर कृष्ण जैसे गैया चराने के लिए जाते हैं बछड़ों को साथ में, गैयाओं को साथ में, और वहां पर जैसे राधा रानी कुंज से देखती हैं गोपियां, जैसे मैया जैसा कृष्ण को मक्खन खिलाती हैं, पूरा स्टैचू ब्रह्मा जी ऐसे बनाए, वो लग रहा था पूरा सचमुच से ये वृंदावन है, कुंज है, गोपियां है, राधा रानी यशोदा है, हाँ? इतने में बलदेव और रुक्मिणी सत्यभामा इनको क्या बोल दिए, बोले तुम लोग दूर में खड़े हो, पता नहीं चलनी चाहिए कृष्ण को ये द्वारका है, हैं? और जो जो कंस का जो मैया थी, क्या ना पद्मा, वो जो डोकरी, बोले तुम दूर में रहो, पास में बताया करो, हैं? और जब बलदेव प्रभु गए, बोले कन्हैया अभी तक तो सो रहा है, अरे आज तो बहुत दूर तक जाने का था गैया चराने के लिए, देखे यहाँ पर कैसे सखा लोग गैया बछड़े कैसे तेरे लिए इंतजार करते हैं, क्यों, जब तक तू नहीं जाओगे ना ये तो कोई जाएगा नहीं है, इसलिए तू अभी तक तो सो रहे हो। जब उन्होंने जाकर के जगाया, कृष्ण ब्रज की चिंतन करते करते बेहोश हुए थे, जब उनको होश आया ना, वो ब्रज के ही चिंतन करते करते, और अपना ड्रेस को देखा, कौन सा ड्रेस, वृंदावन का ड्रेस, बलदेव प्रभु को देखा वो भी वृंदावन का ड्रेस है, कृष्ण मैं द्वारके में नहीं, अभी तो मैं वृंदावन में। इतने में कृष्ण जब उठे, मतलब वृंदावन में रहते समय कृष्ण का जो हाव भाव कटाक्ष चाल चलन अंगी भंगी गोपियों के प्रति, मैया जसोदा के प्रति उनकी जो भाव थी ना, सचमुच से मैया जसोदा मक्खन लेकर जैसे बैठी, वो स्टैच्यू है लेकिन कृष्ण को लग रहा सचमुच से मैया जसोदा बैठी है। कृष्ण उठे, उठ करके अपना ब्रज भाव से उठे, उठ करके बोले मैया मैया रात मैंने बहुत सारे स्वप्न देखा, मेरी शादी हो गई बहुत है, मेरे बच्चे हो गए, आज मैं जा रहा हूँ, जब वापस आऊंगा ना तेरे को ये सारे बात बताऊंगा है। कृष्ण जब और थोड़ी दूर गए, जैसे राधा रानी कुंज से देखती थी, गोपियां कुंज से देखती थी हैं, उनको लगा गोपियां वहां पर बड़े सुंदर बनाया राधा रानी को, इतने में कृष्ण गोपियों को ऐसे दर्शन करते करते, जब राधा रानी को दर्शन किया, कृष्ण बोले राधा रानी लगता है तेरे को मेरे स्वप्न की बात पता चले गया है, क्यों, मैंने शादी की है ना, है मैंने 16108 को साथ शादी की है, इसलिए लगता है मेरे स्वप्न तुमको पता चले गया, इसलिए तू मान होकर खड़ी है, कोई चिंता मत कर, रात में जब आऊंगा ना तेरे को मैं मनाऊंगा, अभी मेरा समय हो गया, मैं आगे चल रहा हूं। कृष्ण की ये रूप देख करके जो पद्मा थी 100 साल की बुढ़िया, वो एकदम छोरी हो गई, वो लोग 15-16 साल के मैं छोरी हूं, ए पागली नहीं हो गई, कृष्ण रूप देख करके भूल गई मैं बुढ़ी, वो कृष्ण को पकड़ने के लिए भाग रही थी, और उनको किसी तरह से पकड़ करके उनको रोके, और जो रुक्मिणी सत्यभामा वो तो कृष्ण की ब्रज रूप देख करके ऐसे पागलिन हो गई, वो भूल गई कृष्ण को पकड़ने के लिए भाग रही थी, लेकिन उनको भी किसी तरह से जोर जबरदस्ती से रोका गया। उसको बाद में
कृष्ण जब थोड़ी दूर गए ना, देखा समुद्र लहरा रहे, समुद्र दूर से लग रहा था यमुना, लेकिन थोड़ी दूर गए थे कैसे लगा ये तो समुद्र है। फिर देखा ये तो द्वारका में बड़े बड़े अटालिका है। फिर कृष्ण बोले ये सब क्या है? बोले दाऊ भैया सब क्या बात है? बोले कन्हैया तू तो वृंदावन की चिंतन करते करते तू तो बेहोश हो गया था, और तेरे को होश दिलाने के लिए उन्होंने सब ये नव वृंदावन ब्रह्मा जी नव वृंदावन प्रकट किया, उन्होंने सारी बात बताई सौती महाराज की। इसलिए कहते इनको तुमको ये सब चीज बनाया गया था। हाँ वहां पर दिखाते हैं तब ये जो महिषियां थी, इफ यू वांट कैन कम हियर, तब जो महिषियां थी ये कभी कभी सोचती थी, क्या सोचती थी, कृष्ण तो सोते हैं हमारे पास में लेकिन रोते हैं वृंदावन गोपियों के लिए, ललिता राधा रानी के लिए। कभी कभी तो ललिता राधा रानी का नाम, श्रीधाम यशोदा के नाम को लेकर के कभी कभी कृष्ण तो रो 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 कर कृष्ण अपना असुरों से तकिया गीला कर देते थे, हैं। अभी ये कभी कभी ये सोचती थी हम एक से एक राजघराने की लड़की हैं और एक से एक सुंदरी हैं, एक से एक सुंदरी, सारी कला में हम निपुण हैं, लेकिन पता नहीं ये ग्वालिनिया जो कंडा बिनने वाली दधि मंथन करने वाली, इन लोगों ने कृष्ण के ऊपर क्या जादू टुड़ा कर दिया, पता नहीं क्यों इनके लिए रोते हैं। लेकिन आज उनको पता चल गया सचमुच से हैं कृष्ण, हैं कृष्ण ब्रजवासियों को जैसे प्रेम करते, राधा रानी ललिता को जैसे प्रेम करते हैं, उनके नौकर 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 के जैसे भी हमें इतना प्रेम कृष्ण नहीं करते। फिर पता चला सचमुच से ये ब्रजवासी कितने सौभाग्यवान और ब्रज लीला कितना उन्नत लीला है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कृष्ण रे माधुर्य देखी वासुदेवेर खोब, जो ब्रजद नंदन श्याम सुंदर इनके माधुर्य देख करके वासुदेव मतलब जो वसुदेव नंदन जो कृष्ण उनके हृदय में भी खोब प्रकट हो जाता है, हैं कृष्ण इतने सुंदर। भले उनकी बात छोड़ दो, कृष्ण स्वयं अपना रूप को मणि स्तंभ में प्रतिबिंब होते देख करके कृष्ण स्वयं पागल हो जाते हैं। कहते कब मैं ये राधा रानी बन जाऊं, राधा रानी कृष्ण को आलिंगन करती हैं, कब मैं राधा रानी बन करके कृष्ण को आलिंगन करूं। इसलिए कलयुग में उन्होंने क्या किया, कृष्ण ही वो प्रेम का आस्वादन करने के लिए कृष्ण ही कलयुग में राधा जी की भाव अंग कांति लेकर के ये सचिनंदन श्री गौर हरि बन करके आते हैं। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की। इसलिए श्री रूप गोस्वामी क्या कहती हैं, कहते हैं स्मरांग भंगी त्रयम परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टि। खबरदार वृंदावन में मत जाओ, हैं वृंदावन में मत जाओ, इसलिए मथुरा मत जाओ, अगर भूल से चले गए तो वृंदावन में मत जाओ, वृंदावन चले गए तो केसी तीर्थ घाट में चले जाओ, अगर भूल से वहां चले गए तो कभी गोविंद देव का मंदिर में प्यार मत रखा करो, हैं, क्योंकि स्वरूप नयन हरे कहे नाहे घरे फिरे संसारी जीवर जत तो सय हर हय सर्वनाश, हैं। इसलिए बंधु संग जदि तब रंग परिहास, तो किसके लिए कह रहे हैं मत जाया करो, बोले जिनको इसी संसार का आनंद लेना का इच्छा है, ये घर गृहस्थी आनंद लेना जिनका इच्छा है उनके लिए मना कर रहे हैं। लेकिन जो कृष्ण प्रेम चाहते हैं, कृष्ण सही प्रेम करना चाहते हैं, उनके लिए तो भैया एक बार जाओ और गोविंद देव का दर्शन करो, हैं, उनकी जो तेरी चितवन जो मीठी मीठी हंस रहे हैं, जो बंसरी बजा रहे हैं, जो त्रिभंग ललित जो रूप सर पर जो मयूर मुकुट है, एक बार तो दर्शन करो, है। इसलिए श्री बिल्लो मंगल कहते हैं साध्वी माध्वी का चिंता न भवती सर करे कर्क सासी। अगर राधा कृष्ण का प्रेम अगर एक बूंद किसी की आस्वादन का विषय हो गया तो बिल्लो मंगल कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, सरकरे कर्कशासी, हे सरकरे तू तो कर्कश हो गया, तू तो कड़ुआ हो गया। बोले क्यों? बोले राधा कृष्ण का प्रेम मिल गया ना। द्राक्षा द्राक्षंती, अंगूर रस में जो द्राक्षा रस बनता है, भैया तेरे तरफ में और कोई देखेगा नहीं। बोले अमृतम मृतम असी, बोले अमृत तू मर जा, अमृत तू मर जा। बोले कृष्ण प्रेम आस्वादन हो रहा है ना, हाँ धरा धरा मृतम, हाँ स्त्रियों का जो अधर रस है, हाँ धरा मृतम कल तू मर जा। इसलिए कहते हैं जिनको राधा कृष्ण का प्रेम जिनको आस्वादन का विषय हो जाए, दुनिया का सारे आनंद उसको सामने
फीकी पड़ जाती है। ये कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे? उद्धव जी कह रहे हैं, हैं? उद्धव जी कह रहे हैं विदुर जी को, विदुर इतने कृष्ण की इतने सुंदर लीला। उसको बाद में और एक श्लोक में कहते हैं, स्वयं तो साम्यात त्रय त्रिधीश स्वराज्य लक्ष्माप्त समस्त काम बलि हर चिर लोक पालय किरीट कोटि इद पाद पीठ। कहते स्वयं तू असामात्य, कहते कृष्ण कैसे कौन है? बोले स्वयं तू, कहते ना कृष्ण हम सुन रहे थे, कृष्ण कौन है? ये स्वयं रूप है कृष्ण, ये स्वयं रूप है। स्वयं मतलब जिसके किसी के आश्रय लिए बगैर जो परिपूर्ण। इसलिए श्री रूप गोस्वामी हैं जब कहते कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कहते ये स्वयं शब्द भागवत में 3 बार उच्चारण किया गया। जैसे किसी बात को अगर 3 बार बोल दो वो दृढ़ हो जाता है, उसी तरह कृष्ण स्वयं मतलब किसी अन्य अनान्य पेक्षम जद रूपम स्वयं रूपम सावोच्यते। स्वयं रूप किसको कहते हैं? जो और किसी की सहाय्य लिए बगैर जो परिपूर्ण है। ये कौन है? बोले ये कृष्ण है, हैं? ये कृष्ण चंद्र है। इसलिए कहते कृष्ण कौन? बोले स्वयं तू, ये स्वयं भगवान असामात्य मतलब नस्त समस्याभ्य अधिकस्य दृश्यते। उनकी बड़े की बात छोड़ दो, जगत में कृष्ण के बराबर भी जगत में कोई नहीं है, जिसके समान व उनसे बड़े कोई नहीं। इसको असमर्थ असमर्थ तत्व कहते, जिसको अद्वैज्ञान परतत्व कहते हैं। ये कृष्ण कौन है? स्वयं तो असामात्य। बोले किस लिए? बोले त्रय त्रिधीश, किस लिए उनको बता रहे हैं? उनके बराबर और उनके ऊपर कोई नहीं। बोले त्रिधीश्य, त्रिधीश्य मतलब है कहते जो ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों का जो अधीश। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं? तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न पालना सृष्टि ते माया श्री जय कारागार। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छा मते विष्णु करे न पालन, और तब इच्छा मते विष्णु शिव करे न संहार, और तब इच्छा मते माया सृजे कारागार। इसलिए कृष्ण की इच्छा के अनुरूप ही ब्रह्मा जगत को सृष्टि करते हैं, और शंकर जी संहार करते हैं, और विष्णु पालन करते हैं, और माया ये कारागार बना। इसलिए त्रिधीश, ये तीनों का जो अधीश। और त्रिधीश किसको? बोले कारण दगसाई, गर्भद गसाई और खिराबधीसाई, ये तीन हैं। ये जो तीन जो विष्णु हैं कहते इनका भी जो ईश्वर है, और चीज शक्ति जीव शक्ति और माया शक्ति, इन तीनों शक्ति के ऊपर जिनकी आधिपत्य है। इसलिए कहते त्रय त्रिधीश, कहते स्वराज्य लक्ष्माप्त समस्त कामम। कृष्ण कैसे? बोले स्वराज्य, स्वराज्य मतलब भगवान का अपना राज्य क्या? भक्त वृंद है और अपना जो शक्ति चीज शक्ति है, और कहते समस्त काम। इसलिए कृष्ण कौन है? आत्मा राम और आप्त काम है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कृष्ण ये पूर्ण है, हैं? कृष्ण ये पूर्ण है। कहते क्या? बल बलि हर धीर चिरक लोक पालय किरीटी कीट ईद पाद पीठम। क जितने चिर लोक पालई, जितने ब्रह्मादि जितने शिव है, हैं? लोकपाल जितने हैं, कहते विष्णु क्या करते हैं? किरीट पीठ इद पाद पीठम। तो इसके लिए उदाहरण देते हैं, कैसे एक दिन ब्रह्मा का अभिमान हो गया, गए थे तो द्वारकाधीश को दर्शन करने के लिए, लेकिन वहां पर जब दरबार ने भगवान ने कहा पूछ कर क्या वो कौन ब्रह्मा, ब्रह्मा का तो पारा चढ़ गया पारा ऊपर हो गया, उनको तो बड़ा क्रोध आ गया। उनको पहले क्या सोचते थे, ब्रह्मा तो एक ही, ये क्या कह रहे, कौन सा ब्रह्मा, भगवान क्यों पूछ रहे? बोले ब्रह्मा 10-20 है, जा करके बोलो सन का पिता ब्रह्मा है, चतुर्मुख ब्रह्मा सृष्टि करने वाले। वो सुन करके प्रभु को बोले, बोले प्रभु ये बात सुन करके तो ब्रह्मा जी को तो पारा ऊपर चढ़ गया, तो बड़ा क्रोध में आ गए। बोले कितने ब्रह्मा है? प्रभु तो समझ गए, बोले ठीक है उसको बोल दो आने के लिए। जब आए अब वो प्रभु को प्रश्न करने जा रहे थे, प्रभु बोले थोड़ी सी खड़े हो जाओ, मैं थोड़ी सी मंत्र जप करता हूँ, थोड़ी खड़े हो जाओ। ब्रह्मा खड़े हो गए, इतने में ठाकुर जी
जितने और सारे ब्रह्मा जी को बुलाए, इतने में देखा 8 सर्वारे ब्रह्मा प्रभु की चरण जिस हैं, जिस खटिया के ऊपर में, जिस ना क्या बोल रहे पीढ़ी के ऊपर में ठाकुर का चरण जिसमें है, जब उसमें प्रणाम कर रहे थे, कितना सर 8, और 8 मुकुट, 8 करने का कुंडल, जब प्रणाम करते झन करके शब्द उठाए। फिर प्रभु जी ने पूछा सब ठीक ठाक हो, बोले प्रभु आप बड़े दिन में याद किए, बोले ठीक है। फिर देखा कितना 16 सर वाले ब्रह्मा, फिर 32, फिर 64,000 सर वाले ब्रह्मा, और कितने इसे शंकर जी आए, और ठाकुर का चरण में जो प्रणाम कर रहे थे, इतने मुकुट और कान का कुंडल झन करके आवाज होता था, किरीटिपीद इद पाद पीठम, प्रणाम करते समय झंकार होता था। ये ब्रह्मा जी एक आश्चर्य चीज क्या था, ये ब्रह्मा तो सारे ब्रह्मा को देख रहे थे, लेकिन वो ब्रह्मा और इनको कोई देख नहीं पा रहे थे। कहते ये ब्रह्मा का स्थिति किया जैसे हाथी को अदर में मच्छड़, हाथी को अदर में मच्छड़, फिर तो ब्रह्मा का सारे अभिमान एकदम चकनाचूर हो गया, है चकनाचूर हो गया। इसलिए यहाँ पर उद्धव जी कहते ऐसे हमारे श्री कृष्ण, लेकिन आश्चर्य की बात है, लेकिन इनको जदुवंशी पहचान नहीं पाए। और एक श्लोक को द्वारा स्तुति करते हैं, बोले अहो बकियम स्तन कालकूटम जिज्ञासया अपि असाब्धि लेभे गतिम धातुचितम गतोन्नम कम्बा दयालु शरणम ब्रजेम। तब इसकी टीका में कहते हैं अहो, अहो मतलब क्या होता है, जैसे कोई आश्चर्य चीज देखते हैं ना भाई, अहो कहते ना क्या आश्चर्य, बोलते ना क्या आश्चर्य, अहो बोले क्या अहो, कहते वीर बान होनहार की होते ही चिकन बात। अब समझ रहे ना, समझ रहे हो कि नहीं, जैसे कोई पेड़ जब सबसे पहले जब उठता है ना, कहते उसको देखते ही पता चल जाता है ये पेड़ कैसे बनेगा। जैसे किसी बच्चे को, जैसे यहाँ पर हैं, जब श्लोक याद कर रहे थे झट पता चल जाता कितना जल्दी याद करते, कितना जल्दी बोलते, पता क्या चलता है बड़ा बुद्धिमान है, निताई बड़ा बुद्धिमान है। हाँ, किसी तरह से तो बोल दिया, इसलिए पता चल जाते हैं बचपन से, जब श्लोक याद करते हैं कोई चीज को याद, उससे पता चल जाता ना ये बड़ा बुद्धिमान, बड़े होकर बहुत बढ़िया बनेगा है। कहते उसी तरह यहाँ पर कहते अहो, अहो मतलब क्या, श्री उद्धव जी कहते आश्चर्य की बात है। जैसे जगत में क्या होता है, जब कोई बच्चा थोड़ा बड़ा होता है ना, तभी उनका गुण प्रकाशित होता है ना बड़ा होने पर, लेकिन इनकी 6 दिन में ही इनका गुण प्रकाश हो गया। कहते 6 दिन जब था उनका गुण प्रकाश हो गया, बोले क्या गुण प्रकाश हो गया, अहो बकियम, बकासुर का जो बहन बकी, जो स्तन कालकुटम, जिसने अपना स्तन में कालकुट जहर लेकर गई थी, क्यों, बोले कृष्ण को मारने के लिए गई थी। लेकिन हमारी कृष्ण इतने दयालु, कृष्ण इतने कृपालु, देखो तो सही 6 दिन में ही, जो केवल है कि माँ की रूप केवल धारण की माँ नहीं, अंदर में तो कालकुट जहर राक्षसी, लेकिन जिसने एक माँ केवल रूप धारण कर लिया, तो कृष्ण ने क्या किया उसको, उसको उन्होंने गोलोक वृंदावन में हैं, उन्होंने धाई चित्त गद दे दिया। बोले कहते अंबिका और किलिंबिका ये दोनों कौन है, कहते ये धाई है, धाई माँ मैया जसोदा के अनुगत्य में कृष्ण को लालन करने पालन करने वाले, लेकिन ऐसी जो राक्षसी है उसको ठाकुर ने गोलोक वृंदावन में कहाँ स्थान दे दिया, कितने सौभाग्य स्थान दिया। इसलिए अगर जो रूप धारण करके आया था कपटता पूर्वक, अगर उनको ये रूप दे सकते हैं, अगर सचमुच से कोई भक्ति और भावना किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मनि, अगर सचमुच से भक्ति पूर्वक उनको कोई प्रेम पूर्वक भजन करे, फिर ठाकुर जी उनको क्या नहीं देंगे, क्या नहीं देंगे ठाकुर जी हैं। उद्धव जी रो रो करके कृष्ण की महिमा को गा रहे हैं, तब यहाँ पर कहते हैं मुकुंद सुस्वर बड़ कृष्ण रे गायन पड़िलेन श्लोक भक्ति महिमा वर्णन। चैतन्य भागवत में आता है ना, ये मुकुंद ने जब राक्षसी पुतना ईश्वर बधित गेला काल जहर, कहते ताहरे ओ मातृपद दिलेन ईश्वरे नाभज अभद जीव है न दयालन है, ये जो श्लोकी अनुवाद है, राक्षसी पुतना क्या याद है, राक्षसी पुतना मतलब राक्षसी पुतना कैसे कृष्ण को मारने के लिए गई थी, ईश्वर बधित गेले गेला
लेकिन जो कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन ताहरे हो है मातृपद दिले ने ईश्वर, उसको भी ठाकुर जी मातृपद दिया, लेकिन ऐसे ईश्वर को जो अज्ञानी है वही लोग ही ऐसे कृष्ण को भजन नहीं करते हैं, हैं? ऐसे भक्ति नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, कहते यहाँ पर कृष्ण को, कहते कृष्ण का जो अवतार का असाधारण धर्म को उक्ति हुआ है। हम इसका मतलब क्या है, कृष्ण जो अवतार है इनका जो असाधारण धर्म है, मतलब जो मारने के लिए आए उनको भी इतना बड़ा पद दे दिया, दूसरे दूसरे भी पद दिया है, रामचंद्र भी दिया, नारायण भी दिया है, लेकिन इतने बड़े पद किसने नहीं दिया, इतने बड़े पद केवल कृष्ण ने ही, इतने बड़े पद किसको दिया है। इसलिए यहाँ पर कहते बोले संत्वा अवतार बहभ पंकजनाभस्य सर्वोत्र भद्रा कृष्णा दन्य कोवालता स्वपि प्रमदो भवती। इसलिए कहते हैं संत्वा अवतार बहभ पंकजनाभस्य, भगवान की अनेक अवतार है, ठाकुर जी का अनेक अवतार हैं, भागवत में तो 24 अवतार है, और हरि अनंत हरि कथा उनका उनका तो अवतार अवतार असंख्या, वहां पर बताए उनकी अवतार तो असंख्य उनकी अवतार है, लेकिन किसको देखा, क्या क्या देखा, लता सोपी प्रेम दो भवती, लता पताओं को भी प्रेम देने वाले ऐसे व्यक्ति को देखा। इसलिए कृष्ण जब बंसी ध्वनि करते थे क्या होता था, पेड़ से मधु झरना शुरू हो जाता था, यमुना उल्टी बहने लग जाती थी, सूख पक्षी मुनि बन जाते थे, गैया दूध घास खाना भूल जाते थे, बछड़े दूध पीना भूल जाते थे, पेड़ सबके सब झुक जाते थे। कहते लता पताओं को भी अगर कोई प्रेम किसने दिया, किसने लता पताओं को प्रेम दिया, केवल कृष्ण ने ही दिया। इसलिए उद्धव जी कहते हैं ऐसे अवतार दुनिया में कभी होए नहीं और नहीं होएंगे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्री नंद के लाला की। इसलिए फिर कल सुनेंगे बांछा कल बुद्ध कृपा सिंधु भाई बचो।